तो ये दोस्तों 2 इंच मोर्टार का HE बम। आज के इस वीडियो में आगे हम जानेंगे इस बम को फायर करने पर यह किस प्रकार से फंक्शन करता है, यानी कि बम की चाल क्या होती है। पहले हम जानते हैं बम की पहचान। इसकी बॉडी पर किए हुए हल्के या गहरे बादामी रंग और इसके इर्द गिर्द लाल रंग की धारी को देखकर इसकी पहचान की जा सकती है। इसकी बॉडी ठोस लोहे की बनी होती है और लाल रंग करने के बाद वार्निश किया हुआ होता है। बम का आगे वाला सिरा चपटा होता है। इसके सेफ्टी कैप को हाथ लगाकर पहचान सकते हैं, क्योंकि इसका कैप बिल्कुल बराबर होता है। तो चलिए अब बात करते हैं बम की चाल के बारे में। बम के ऊपर वाले हिस्से में फ्यूज लगा होता है, जिसे कि हम मैकेनिज्म कहते हैं। फ्यूज सेफ्टी कैप और बास कैप से ढका होता है। इसमें सेफ्टी पिन भी लगा होता है। फ्यूज सेफ्टी कैप और पिन को फायर करने से पहले उतार लेना चाहिए। कुछ बमों में 151 नंबर का फ्यूज होता था, इसमें सेफ्टी पिन नहीं होती थी। दूसरे 161 नंबर को फ्यूज होता था, इसमें सेफ्टी पिन लगी होती है, लेकिन दोनों बमों की चाल एक जैसी होती है। तो चलिए चाल को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब 2 इंच मोटार के HE बम को फ्यूज सेफ्टी कैप और पिन को निकाल लेने के बाद 2 इंच मोटार में दाखिल करके फायर किया जाता है, तो डिस्चार्ज के धक्के से डिटेंट नीचे की ओर हरकत करता है, जिससे डिटेंट स्प्रिंग दबता है और डायगोनल चैनल खुल जाता है। इस धक्के से स्ट्राइकर भी थोड़ा सा पीछे यानी नीचे दबता है, जिससे बॉल आजाद होकर नीचे की ओर गिर जाता है। बॉल नीचे डायगोनल चैनल पर गिरता है। इसका नतीजा यह होता है कि स्ट्राइकर स्प्रिंग की मदद से इतना पीछे हटता है कि उसका पेंदा पीतल के बने हुए कैप से लग जाता है। जब स्ट्राइकर पीछे हटता है तो शटर, जिसमें डेटोनेटर फिट किया हुआ होता है, अपने स्प्रिंग के दबाव से अपने पीवर्ट पर यहां तक घूम जाता है कि उसमें लगा हुआ डेटोनेटर स्ट्राइकर की नोक की नीचे और सीट पर फटने वाले मसाले के ऊपर, यानी कि सेप्टम के ऊपर आ जाता है, जो कि मैगजीन के, मतलब कि CE स्टेम के ऊपर वाले सिरे में होता है। अब बम फटने के लिए तैयार है। जब बम जमीन की ओर गिरता है तो बम के टेल यूनिट वाला हिस्सा ऊपर की ओर तथा ब्रास कैप वाला हिस्सा नीचे की ओर होता है। जमीन पर बम के लगने पर कार्यवाही। जब बम किसी चीज से टकराता है तो ब्रास कैप नीचे दब जाता है। ब्रास कैप के दबने से स्ट्राइकर भी नीचे दबता है। स्ट्राइकर की नोक डेटोनेटर पर चोट मारती है, जिससे डेटोनेटर फट जाता है और फटकर फटने वाले बारूद को धमाका देता है, मतलब सेप्टम को धमाका देता है, और मैगजीन में भरा हुआ हाई एक्सप्लोजिव धमाके से फट जाता है और 2 इंच मोर्टार का हाई एक्सप्लोजिव HE बम फायर हो जाता है। तो ये थी दोस्तों 2 इंच मोर्टार के HE बम की चाल।